एक पुराने मंदिर में भी गए, और यहाँ एक गुफा है जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था, वहाँ भी गए। और आज हम लोग कुछ देर के बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे, लेकिन निकलते निकलते एक समाचार अभी आया कि ज्ञानव्यापी मंदिर पर हाई कोर्ट ने इस्लामिक जिहादियों के पक्ष को नकार दिया, निरस्त कर दिया। इससे चंद दिन पहले ही मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि और तथाकथित ईदगाह के बीच में जो सर्वे की मांग हमारी टीम के साथी श्री विष्णु शंकर जैन जी ने की थी, उसको भी कोर्ट ने मंजूरी दे दी। अब सवाल यह हो रहा है कि आखिर क्या वजह है कि वे भी यही कोर्ट थी, यही मुद्दे थे। तो अब तक कोर्ट बहुत सारी चीजों में सुओ मोटो लेती है किसी भी विषय को, तो वो विषय जिससे पूरे राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, मान्यताएं, परंपराओं को चुनौती मिल रही थी, क्या कोर्ट किसी वकील का इंतजार कर रही थी, क्या किसी पिटीशन का इंतजार कर रही थी? ऐसे विवाद जो कृत्रिम तौर पर मुसलमानों ने और देश की सक्सेसिव सरकारों ने मुसलमानों का वोट प्राप्त करने के लिए इन चीजों पे नाजायज कानून बनाए, नाजायज कब्जा होने दिया, अब उसमें से एक-एक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, और ये लड़ाई सालों चलने वाली है, क्योंकि ये किसी मजहब और धर्म के बीच की लड़ाई नहीं है, क्योंकि धर्म लड़ना नहीं सिखाता, धर्म कर्तव्य सिखाता है। मजहब किसी की गर्दन काटना सिखाता है, किसी के मंदिरों को तोड़ना सिखाता है, जो उस किताब पे यकीन न करे उनकी हत्या करना सिखाता है, इसलिए ये लड़ाई नहीं कहलाई जाएगी। मेरे साथ मेरे युवा साथी रूबल पडलिया साहब बैठे हैं, और आज हम सब लोग यहां हैं, ओम भाई भी यहां मौजूद हैं। हम लोगों ने आज एक नया निर्णय ये लिया है कि जहां जहां हमारी टीम के साथी हैं, बहुत सारे युवा जो शहरों में आ गए, जो संपन्न हैं, जो किताबें खरीद सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं, जिनके पास मोबाइल है, वो तमाम सारे लोग दुनिया की बहुत सारी चीजों को जानते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, हमास में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, इंग्लैंड के अंदर कैसे जिहादी जुलूस निकाल करके वहां की सभ्यता को भंग कर रहे हैं, अभी फ्रांस में किस तरह से जिहादियों ने वहां 400 साल पुरानी लाइब्रेरी को जला दिया। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन एक युवा वो भी है जो गांव में रहता है, मंदिरों में जाता है, पूजा करता है, और एक लंबे समय से हमने देखा कि हिंदुओं के ठेकेदारों ने न सिर्फ समाज में, सनातनी हिंदुओं में एक कायरता का भाव पैदा किया, बल्कि मंदिरों में भी उन्होंने अपने एजेंट टाइप के लोग बिठा दिए हैं जो सुनी सुनाई कहानियों को ज्यादा बताते हैं। मैं जब उत्तराखंड के हल्द्वानी में गया तो रूबल पडलिया साहब के परिवार का एक मंदिर था, उस मंदिर के अंदर जो मुझे पुजारी मिले, उनका ज्ञान सुन के, उनकी बातें सुन के लगा कि ये वो पंडित जी हैं जो सिर्फ अंधविश्वासी बातें, कहानियां नहीं सुना रहे, बल्कि सनातन, जिसका अर्थ है साइंस, उस पे आधारित बातों को रख रहे हैं। और महज इत्तफाक नहीं है कि कल मैं जब अखनूर गया और वहां विशाल गुप्ता जी जो इंडियन रॉयल स्कूल जो चला रहे हैं बच्चों का, और आज के दौर में स्कूल चला रहे हैं जिस स्कूल की बिल्डिंग भी किराए पे ली हो, और ये ऐसे नहीं है कि दिल्ली के किसी धनाढ्य इलाके में अलॉट करा करके जमीन चला रहे हो, लाखों रुपए इनके पास आ रहे हो। आपने भारत और पाकिस्तान सीमा पर जो आखिरी शहर है अखनूर, वहां ये उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन बच्चों से कल मिला तो उनके अंदर एक अजब भाव था, जोश था, छोटे छोटे बच्चे थे। तो मुझे लगा कि
उस अखनूर के अंदर एक मंदिर भी मुझे मिला। मंदिर में गया, साफ सफाई थी। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मंदिरों के अंदर आज का युवा जब पहुंचे तो उसके अंदर ये भाव पैदा हो, ये मेरा मंदिर है और मैं अपनी मर्जी से यहां कितनी देर बैठूंगा, कितनी देर ध्यान लगाऊंगा। तो कोई ऐसा नहीं है क्या कहते हैं कि अगर चढ़ावा बहुत ज्यादा आता है तो वो युवा वहां से बैठे और एक मिनट पंच जी के बाहर निकलो बाहर निकलो। ये कोई दुकान नहीं है, मंदिर ध्यान का केंद्र है। अगर हमारा युवा वहां पहुंचे तो उसको साफ सुथरी जगह मिले और वो अपने कोण में बैठकर जो ध्यान करना चाहता है करे, पंडित जी अपना काम करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो जब हम मंदिरों को साफ सुथरा रखेंगे, सही श्लोकों का उच्चारण करेंगे और अपने हिसाब से मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाएंगे तो युवाओं के अंदर सनातन सभ्यता, हिंदू सभ्यता, हमारे शास्त्रों के बारे में, गीता के बारे में, रामायण के बारे में उसे सही जानकारी होगी। तो यह फैसला लिया गया क्योंकि वहां विशाल गुप्ता जी का घर है और तमाम सारे लोग वहां मुझे मिले, माएं, नानी दादी की उम्र की महिलाएं मिली, बहुत लोग मिले। तो हमने सोचा है कि जो हमारी सारी मुहिम चल रही है उसमें आज से हम एक मुहिम जोड़ रहे हैं कि जहां जहां हमारे साथी हैं, जैसे गुना के अंदर शेरा रजावत हैं, कि वो किसी एक मंदिर को चुने जो जीर्ण शीर्ण पड़ा हो और उसको अपने सामर्थ्य से और हम लोगों की मदद से उसको सही करें और हर हफ्ते हनुमान चालीसा वहां हो और एक साफ सुथरा सही तरीके से वहां अच्छा प्रसाद बांटा जाए ताकि जो युवा गांव में हैं उनको पास कहीं बैठने की बहुत जगह नहीं है तो वो अपना समय इधर उधर नष्ट करते हैं, तो वहां हो और उसके 10-15 मिनट के बाद जब वो हनुमान चालीसा हो जाए तो वहां राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं, देश के सामने की चुनौतियों की चर्चा नहीं करनी मंदिर के अंदर, क्योंकि मंदिर राष्ट्र का हिस्सा है, देश का हिस्सा नहीं है। तो वहां राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, कैसे कैसे चीजों से हमारी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, हम उसे कैसे बचा सकते हैं। तो रूबल पडलिया जी हल्द्वानी में, विशाल गुप्ता जी अखनूर जम्मू में इस मुहिम को हम शुरू करने वाले हैं। और मेरी रूबल जी से ये प्रार्थना है कि देखिए आज के युवा से आप ये उम्मीद मत कीजिए कि वो मॉडर्न शर्ट पहन के नहीं आएगा, स्टाइलिश बालों के साथ भी आएगा, वो अंग्रेजी भी बोलेगा, उसको उसकी ही भाषा, उसको उसके उसके ही वस्त्रों में हमें एक्सेप्ट करना है। क्योंकि हम बहुत आइडियल स्थिति में नहीं है कि नहीं साहब इसमें ये करके आइए वो करके आइए, हमें डिफिकल्ट नहीं बनाना है कि वो मंदिर आने से पहले उसके ऊपर 10 रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएं, ये नहीं करना है, ये करना है, ये करना है। अब इस आज के दौर में कहां किसके पास इतना समय है कि वो ये सब कुछ करे, नौकरी करे, ये करे, वो करे, मार धार की दुनिया में फिर वो मंदिर के लिए पता नहीं वो पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। तो पहले वो मंदिर पहुंचे, मंदिर में बैठे और वहां पंडित जी से बताएं कि ये जो मूर्ति है इसका क्या अर्थ है, क्यों है, कैसे है। तो उससे उसको वो जब वहां जाएगा तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, क्योंकि हमने मंदिरों को चढ़ावा, रुपया, पैसा, कोई बड़ा आदमी आ गया तो पंडित जी उठकर उसका स्वागत करेंगे, पंडित जी को ये काम नहीं करना है। सबसे गरीब आदमी जो एक पैसा नहीं दे सकता उसका भी सम्मान पंडित जी उतना ही करें जितना गवर्नर का करते हैं, जितना राष्ट्रपति का करते हैं। ये जो पूजा के मंदिर के अंदर आप भेदभाव करते हैं कि जिसने ज्यादा बड़ा चढ़ावा है उसको पहले दे दिया, यही कारण है हमारे पतन का, हमारे मंदिरों का। मंदिर में जो चला गया उसका ना आर्थिक ना सामाजिक स्तर से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा उसमें यह भाव नहीं पैदा होना चाहिए कि वो एक घंटे लाइन में लगे और पंडित जी मूर्ति के सामने कहें और एक सेकंड में कहें चलो चलो चलो, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी आस्थाओं के लिए 2 घंटे लाइन में लग के आया हूं, मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी से कुछ लिया नहीं, और मंदिर में जब मैं अपने देवता को देखना चाहता हूं, उसके सामने बैठना चाहता हूं तो मुझे 1 मिनट में वहां से हटा दिया जाए, यह गलत बात है, यह आज के आधुनिक युग में नहीं होगा। तो रूबल जी आपसे मेरी दरखास्त है, आप वैसे भी बहुत आध्यात्मिक आदमी हैं, आपको जब भी मैं देखता हूं तो आपके कपड़े, आपकी स्टाइल लेटेस्ट है। और ऐसे युवा जैसे मैं विशाल को भी देखता हूं, एक तरफ स्कूल भी चलाते हैं, जीवन जीते भी हैं, सारे काम करते हैं, फिल्म भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, लेकिन साथ साथ राष्ट्र का काम भी कर रहे हैं और उसके सामने होने वाली चुनौतियों का भी काम कर रहे हैं।
जिस तरीके से जब मैं लास्ट टाइम जम्मू आया था तो मैंने देखा था कि वहां एक तालाब था, वो बहुत गंदा था, बहुत खराब था, और उसके आज जब आया तो वो तालाब अच्छा हो गया, साफ सुथरा हो गया, वहीं एक मंदिर है। तो आपके घर के बराबर का जो तालाब है वो स्वच्छ रहे, ये आपकी जरूरत, आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए, सरकार के लिए। अगर सरकार ने उसके लिए कोई बजट दिया है तो उसको जाके कहिए कि भाई इसका बजट यहां लगाओ, लेकिन अगर सरकार ने एक बार ठीक कर दिया है तो फिर सब उस जगह के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो दोबारा गंदा ना हो, साफ सुथरा हो, और उसमें ऐसा माहौल हो कि वहां लोग उसके किनारे बैठ सकें। ये जो देश में हमारे सिंधुओं की समस्या हो गई है, हर चीज सरकार से चाहते हैं, हर बात सरकार से चाहते हैं, सरकार मंदिर भी बनाए, सरकार ये भी करे, ये काम मंदिर नहीं है, ये समाज का काम है। तो मैं आप दोनों से अपील करता हूं, जम्मू की इस पवित्र धरती से, मंदिरों की धरती से। अब आप देखिए कि आपके जम्मू कश्मीर में इतने, जम्मू में खासतौर से इतने मंदिर हैं जैसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है, लेकिन आप सोचिए कि इस मंदिरों की नगरी में जो नॉर्थ में पड़ता है उसमें तिरुपति का मंदिर बनाया गया। तो ये मंदिर नहीं है बल्कि दो सभ्यताओं का मिलन है। कि तमिलनाडु में अगर कोई पागल जो है सनातन को गाली देता है तो वो व्यक्ति विशेष हो सकता है, लेकिन सनातन अगर साउथ से चल करके जम्मू कश्मीर में तिरुपति के मंदिर के रूप में स्थापित होगा तो यहां के लोग उस तिरुपति भगवान की आस्था को समझेंगे, उसकी महत्वता को समझेंगे। तो इसी को मैं मानता हूं कि यही जो डिवाइड किया है राजनीतिक लोगों ने वो दोबारा से स्थापित होगा। और इस बात की खुशी है कि बनारस के अंदर जो विश्व का सबसे पुराना शहर है वहां पर भी तमिल संगम के लगातार कार्यक्रम सरकार कर रही है। तो सरकार अपने काम करेगी, सरकार को करने दीजिए। और सरकार ये इसलिए नहीं कर रही, सरकार इसलिए कर रही है कि आप बदले तो सरकार बदल रही है। उनको समझ में आया क्या कहते कि इस देश का नागरिक युवा हमसे चाहता क्या है, तो वो आपकी आस्थाओं के केंद्रों को साफ सुथरा अच्छा बना रही है, चाहे महाकाल का क्रियाकलाप हो। तो जब तक हम उसे अपडेट नहीं करेंगे, युवाओं को नहीं जोड़ेंगे, तो आपकी संस्कृति सिर्फ किताबों में मिलेगी। इसलिए विशाल गुप्ता जी, रूबल भाई, आप इसको शुरू करिए, फिर हम लोग अभी कुछ दिन बाद गुना जाएंगे तो वहां ही शुरू करेंगे, ताकि लोगों को हमें जोड़ना है, लोगों को सिर्फ सच बताना है। बाकी मैं मानता हूं कि सनातनी हिंदू के अंदर अगर आपने उसका सही जगह बटन दबा दिया है तो जो उसकी ऊर्जा अब तक जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी उसी ऊर्जा से वो खड़ा होगा और देश में एक नई जागृति, नई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है, इसमें हमें ऐड करना है। यही मेरा आज का मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।